हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए गुजिया की रेसिपी का वीडियो लेके आई हूँ। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गैस ऑन करके उस पर कढ़ाई रख के सूजी को सेकना स्टार्ट करते हैं। और मैंने आंच को मीडियम में मतलब स्लो ही रखा है और लगातार सूजी में चम्मच चलाते रह रही हूँ ताकि सूजी नीचे लगे ना और गुजिया का टेस्ट ख़राब ना हो। आप इसे मीडियम आंच पर लगातार चम्मच चलाते रहिए और कलर चेंज होते तक सेकते रहिए। अब इस पर मैं एक चम्मच घी डाल रही हूँ। आप ना बहुत सारी सूजी एक साथ नहीं सेकिए, थोड़ा थोड़ा करके सेकिए, इससे सूजी अच्छे से सिकती है। तो मैं सबसे पहले मैंने आधा किलो सूजी सेक रही हूँ, उसमें मैंने 2 चम्मच घी डाला है और फिर मैंने 25 ग्राम सेका था उसमें मैंने 1 चम्मच घी डाला है। ऐसा मैंने टोटल सूजी 75 ग्राम लिया है और 3 चम्मच उसमें घी डाला है। तो देखिए हमारी सूजी का कलर चेंज हो रहा है, गोल्डन ब्राउन, कितना अच्छा कलर दिख रहा है। तो इसे अच्छे से ऐसा सेक लीजिए। देखिए 1 चम्मच और डाला है, इसे मैंने टोटल अभी 2 चम्मच डाला है, फिर बाद में 1 और चम्मच डाला था, ऐसा 3 चम्मच डाला है और सूजी मैंने 75 ग्राम ली है। हमारी सूजी सिक चुकी है। अब मैंने कढ़ाई में मावा डाला है और इसे अच्छे से गर्म कर रहे हैं। फेस्टिवल के टाइम में मावा थोड़ा सा मिक्स मिलता है ताज़ा वाटा, इसलिए आप इन्हें गुजिया बनाते टाइम इसे ज़रूर गर्म कीजिए और अच्छे से पूरा गर्म हो जाए, वैसा मेल्ट हो जाए वैसा आप अच्छे से गर्म कर लीजिए मावा को। देखिए ये इधर मैंने ड्राई फ्रूट्स कट करके रख लिया है, बादाम, काजू, किशमिश, और ये हमारा मावा भी अच्छे से पूरा गर्म हो गया है। अब इसे हम सूजी में मिक्स कर देते हैं। मैंने ड्राई फ्रूट्स पे मैंने बादाम, काजू, किशमिश से लिया है। आप और भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं आपको जो भी लगे, और अचार की बीजी भी इस पर अच्छा टेस्ट आता है तो आप वो भी डालिए जरूर। देखिए अच्छे से हम पूरा सूजी में मावे को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमने मावा 500 ग्राम लिया था, अब इसमें मैं चाशनी डाल रही हूँ। ये मेरी चाशनी गुलाब जामुन की थी जो कि थोड़ी सी पतली होती गुलाब जामुन की चाशनी, इसे मैंने गर्म करके थोड़ा सा गाढ़ा कर लिया है और फिर डाला है। तो देख सकते हैं अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। आप शक्कर डाल दीजिए इस पर पीस के चाशनी की तरह, और शक्कर आप 75 वो सॉरी 75 हो गया 45 ग्राम डालिए, 45 ग्राम मतलब आधा किलो भी डाल सकते हैं, जिस हिसाब से आप मीठा खाते हो उस हिसाब से डाल लीजिए शक्कर। और इसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। देखिए हमारा ये तैयार है। अब इसमें हम इलायची पाउडर डाल रहे हैं। इलायची पाउडर आप घर में इलायची को सेक के और उसे पीस के डाल लीजिए, उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। इसका ये पैकेट वाला ये थोड़ा सा ठीक नहीं रहता है, ये मेरे पास था इसलिए मैंने डाला है। मेरे बच्चे का बर्थडे का फंक्शन था तो उसको बुलाया था तो मैंने वही डाला है और वही चाशनी बची हुई थी। अब देख सकते हैं मैंने मैदा में डालडा को थोड़ा सा मोयन दिया है और नमक, और इसे गूंथ लिया है अच्छे से जिसे आटा आप गूंथते हो, और इसे 5 मिनट के लिए टेस्ट करने रख दिया था। ये मैंने डालडा डाला है, ये मैदा था और ये सूजी मैंने यूज किया है। और आप ये भोजन में चढ़ाने के लिए डाल रहे हैं तो आप शक्कर ही डालना, ऐसा मतलब वो रखा हुआ जो चाशनी वगैरह है वो मैंने हम लोग वैसे ही खाना था, वो पूजा के लिए नहीं बनाई है गुजिया तो मैंने वो डाला है, किसी की चाशनी बची हुई थी तो मुझे वो यूज़ करना था।
तो देख सकते हैं इस टाइप से आप बेल लीजिए जैसे रोटी बेलते हैं, और ना ज़्यादा मोटी रखिए ना ज़्यादा पतली पपड़ी रखिए। तो पतली रखोगे तो ये फट जाएगी और ज़्यादा मोटी रखोगे तो खाने में इतनी अच्छी नहीं लगेगी। तो इस टाइप से मैंने पानी थोड़ा थोड़ा इसका आधे में लगा दिया था और इस टाइप से इसको दबा के अच्छे से चिपका दे रहे हैं ताकि ये ऑयल में डालने से खुले ना और जो भी एक्स्ट्रा बाहर निकला हुआ था उसे निकाल दे रहे हैं। अलग कर दे रहे हैं ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी आपकी गुजिया रेडी हो जाती है। इस टाइप से आप सारी गुजिया बना लीजिए, देखिए कितने अच्छे से बन गया है। अब हमने ऑयल गर्म होने रख दिया है और ऑयल को ना बहुत ज़्यादा गर्म करना है ना ठंडा है, ज़्यादा ठंडा आप मीडियम रखिए। उसके दोनों साइड से अच्छे से गुजिया से मिल लीजिए। हमारे गुजिया का अंदर का मिश्रण तो पूरा पका हुआ था तो ऊपर की पपड़ी बस सीखना था तो हमको 2 मिनट ही लगेगा सीखने में, तो बस ज़्यादा नहीं सीखिए और इसे निकाल लीजिए। आप क्या ठंडे तेल में डालोगे तो ये मैदा है तो ज़्यादा तेल सोख लेगा, और अगर आप गर्म में डालोगे तो ये जल जाएगी, इसलिए मीडियम आँच रखिए, वो मीडियम रहना चाहिए तेल का टेम्परेचर। इस टाइप से हमने सारी गुजिया सेक लिया है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है गुजिया सेकने में भी। तो आप भी अपने घर में बनाइए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।